निर्दलीय विधायक इस्तीफा और इस्तीफे को मंजूर करवाने का संघर्ष। इन दिनों हिमाचल प्रदेश की सियासत में खूब हलचल है और दूसरी तरफ तीन निर्दलीय विधायक इस्तीफा देने के बाद उसके मंजूर होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन दिनों चारों तरफ खूब चर्चाएं हैं, यहां तक कि दरबारे सोशल मीडिया में तो तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी दी जा रही हैं। यहां तक कि विपक्ष भी विमुख है, आखिर इन तीन निर्दलीय विधायकों का इस्तीफा क्यों स्वीकार नहीं किया जा रहा। कहा जा रहा है कि ये तीन निर्दलीय विधायकों के हक की बात है कि उनका इस्तीफा मंजूर किया जाए। तो बड़ा सवाल है कि क्या वाकई ऐसा होता है कि अगर कोई विधायक इस्तीफा दे दे तो उसे मंजूर किया जाता है, किसी भी सूरत में उसे स्वीकार ही किया जाएगा। सवाल यह भी है कि क्या स्पीकर इस इस्तीफे को अस्वीकार भी कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो उसके बाद क्या होगा। यहां तक कि राज्यपाल से तमाम तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या अगर इस्तीफा अस्वीकार हो जाता है तो राजभवन या राज्यपाल इसमें अपनी कोई भूमिका अदा कर सकते हैं। आपके तमाम सवालों के जवाब आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि इन तीन निर्दलीय विधायकों को लेकर अभी तक हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ देखने को मिला है। इन तीन निर्दलीय विधायकों का संघर्ष इस्तीफा मंजूर करवाने को लेकर कहां तक पहुंचा। हिमाचल में इस्तीफा मंजूर नहीं होने से नाराज इंडिपेंडेंट एमएलए आज हाई कोर्ट का रुख करेंगे। विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने 14 दिन बाद भी इनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया है, इसलिए निर्दलीय विधायकों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला लिया है। इस्तीफा स्वीकार करने की मांग को लेकर बीते सोमवार को देहरा से निर्दलीय विधायक होशियार सिंह, हमीरपुर से आशीष शर्मा और नालागढ़ से केएल ठाकुर विधानसभा परिसर में एक दिन का धरना भी दे चुके हैं। इन्होंने बीते 22 मार्च को इस्तीफा दिया है और 23 मार्च को दिल्ली में बीजेपी ज्वाइन भी की है। होशियार सिंह ने बताया है कि आज हाई कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। तीनों निर्दलीय विधायकों ने बिना किसी दबाव के अपनी इच्छा से इस्तीफा दिया है, फिर भी उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया जा रहा है, इसलिए उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का निर्णय भी लिया है। वहीं कुलदीप सिंह पठानिया ने इनका इस्तीफा स्वीकार करने के बजाय तीनों विधायकों को नोटिस जारी किया है। इसमें 10 अप्रैल तक जवाब देने को भी कहा गया है। इनके खिलाफ राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने स्पीकर के पास शिकायत देकर जांच की मांग भी की है। सरकार के दोनों मंत्रियों ने शिकायत में कहा है कि जनता ने इन्हें 5 साल को चुना था, तो ये 15 महीने में ही रिजाइन क्यों कर रहे हैं? क्या इन पर भाजपा का कोई दबाव था? इस्तीफा देने से पहले इन्हें हेलीकॉप्टर से दिल्ली से शिमला लाया गया और इस दौरान इनके साथ भाजपा नेता भी मौजूद रहे, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। तीनों इंडिपेंडेंट एमएलए उपचुनाव लड़ना चाह रहे हैं, मगर जब तक इनके इस्तीफे स्वीकार नहीं होते हैं तब तक उपचुनाव संभव नहीं है। बीजेपी में शामिल तीनों विधायकों को पार्टी ने टिकट देने का भरोसा दिया है। इन्होंने बीते 27 फरवरी को हिमाचल में राज्यसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट किया था। निर्दलीय और कांग्रेस के 6 बागे विधायकों की बदौलत बीजेपी की राज्यसभा चुनाव में जीत हुई। राज्यसभा वोटिंग के बाद से ही तीनों निर्दलीय विधायक भी कांग्रेस के 6 बागियों के साथ प्रदेश से बाहर थे। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अब घर वापस भी लौट आए हैं। खास बात यह है कि अपने पदों से रिजाइन कर चुके तीनों निर्दलीय विधायकों को विधानसभा सचिवालय प्रशासन ने बीते सप्ताह विभिन्न समितियों में शामिल भी किया है। इनमें केएल ठाकुर को 3 समितियों में शामिल किया गया है, जबकि आशीष शर्मा और होशियार सिंह को 2-2 समितियों का सदस्य बनाया गया है। केएल ठाकुर कल्याण समिति, मानव विकास समिति और कार्य सलाहकार समिति में शामिल किए गए हैं, तो वहीं आशीष शर्मा कल्याण समिति और सामान्य विकास समिति तथा होशियार सिंह प्राकलन समिति समेत स्थानीय निधि लेखा समिति के सदस्य भी बनाए गए हैं। जिन लोगों ने मुझे पत्र दिया था उस पत्र को पूरे साइटेशन के साथ मैंने विधानसभा अध्यक्ष को भेज दिया था। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिट मध्य प्रदेश और कर्नाटक के उसमें कोर्ट करते हुए भेज दिया था। मुझे लगता है कि उसका संज्ञान विधानसभा अध्यक्ष जी ने लिया होगा। उसके अतिरिक्त राजभवन को अपनी मर्यादा
का ख्याल है, मैं अपने को भी उस हमेशा उस मर्यादा में बांध करके ही चलता हूँ। जो डिसीजन उनको लेना है वो लेना है, भलाई और बुराई सबकी सबके साथ रहती है। तो हिमाचल प्रदेश में 3 निर्दलीय विधायक अब अपना इस्तीफा मंजूर करवाने के लिए हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। चलिए, आपके मन में आ रहे तमाम सवालों के अब हम आपको जवाब देंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि एक विधायक के लिए इस्तीफा देना इतना आसान नहीं होता। एक विधायक या सांसद जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, जिसका मतलब है कि उनकी जनता के प्रति जवाबदेही तय होती है। मगर ऐसा भी नहीं कि एक विधायक या सांसद अपने पद से इस्तीफा नहीं दे सकता है। बस इसके पीछे एक वजह, एक वाजिब वजह या एक कठोर कारण होने की जरूरत होती है। आपको बता दें कि संविधान में इसका प्रावधान किया गया है कि एक विधायक या सांसद किन परिस्थितियों में इस्तीफा दे सकता है और उन्हें किन परिस्थितियों में स्वीकार किया जा सकता है, यानी इस्तीफा स्वीकार होगा या नहीं इसके लिए भी परिस्थितियां तय की गई हैं। एक विधायक या सांसद कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकता, इसीलिए संविधान के आर्टिकल 190 में विधायकों के इस्तीफे को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। और इसी आर्टिकल में स्पीकर या फिर किसी अन्य प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लिए भी कुछ दिशा निर्देश हैं कि किन परिस्थितियों में ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर या फिर स्पीकर किसी विधायक या सांसद का जो इस्तीफा है उसे नामंजूर कर सकते हैं या अस्वीकार कर सकते हैं। विधायक जब इस्तीफा देते हैं तो यह स्पीकर पर भी निर्भर करता है कि उन्हें इस्तीफे की वजह कठोर या मजबूत लगनी चाहिए। अगर स्पीकर को लगता है कि दिया गया इस्तीफा वास्तविक नहीं है या फिर स्वेच्छा से नहीं है तो इसे लेकर इस्तीफे को अस्वीकार भी किया जा सकता है। फिलहाल स्थिति को हिमाचल प्रदेश की स्थिति से जोड़कर देखें तो हिमाचल प्रदेश में फिलहाल स्पीकर को जो इस्तीफा मिला उस पर जांच शुरू की गई है। संविधान के आर्टिकल 190 में इसका भी जिक्र है। अगर स्पीकर को लगता है कि इस इस्तीफे में कोई गड़बड़ है या ये स्वेच्छा से नहीं है तो इस पर बकायदा कार्यवाही की जा सकती है, और यही कार्यवाही फिलहाल हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रही है। लगभग 15 दिन का वक्त बीत चुका है और अभी तक इन विधायकों का इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया है। आपको बता दें कि यदि किसी विधायक ने इस्तीफा देने से पहले पार्टी या पार्टी के काम करने के तरीके को लेकर किसी भी फोरम पर शिकायत दी हो तो ये इस्तीफा मजबूत बन जाता है। लेकिन 3 निर्दलीय विधायकों के इस केस के आधार पर यदि कहा जाए, उनकी तरफ से इससे पहले किसी भी फोरम पर शायद किसी तरीके की कोई शिकायत नहीं दी गई थी। तो फिलहाल हिमाचल प्रदेश में ये कहा जा सकता है कि शायद स्पीकर इन 3 निर्दलीय विधायकों का इस्तीफा अस्वीकार भी कर सकते हैं, क्योंकि चल रही जांच के आधार पर ही फैसला होगा। क्योंकि 3 निर्दलीय विधायकों ने किसी भी फोरम पर कोई शिकायत नहीं की है, ऐसे में इस इस्तीफे को स्वेच्छा से नहीं भी माना जा सकता है। आपको यह भी बता दें कि अपनी विधायकी या सांसदी से इस्तीफा देने का सिर्फ यही एक तरीका नहीं होता। यदि कोई सांसद या विधायक 60 दिन तक हाउस की कार्यवाही से खुद को अलग रखता है तो भी उसे बर्खास्त किया जा सकता है। इसके लिए दल बदल कानून की भी एक प्रक्रिया रहती है। फिलहाल हिमाचल प्रदेश में यदि बात की जाए तो 3 निर्दलीय विधायकों का इस्तीफा अस्वीकार किया जा सकता है, वो भी संविधान में रहते हुए। यानी तमाम तरह की चर्चाएं जो इन 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे को लेकर देखने को मिल रही है उस पर अंतिम फैसला स्पीकर का ही होने वाला है। बहरहाल इन 3 निर्दलीय विधायकों का इस्तीफा मंजूर हो ना हो, लेकिन इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है ये हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें।